बच्चे आवाज में ये सर जी क्या क्या आई है सर? जैसे आज आप सबको पता ही हम वर्ल्ड अर्थ सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो हमारे कुछ बच्चों ने पेंटिंग के जरिए वो चीज दिखाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले आप यहीं से अगर स्टार्ट करेंगे, ये साहिल अकबर, साहिल क्लास 9 है, इसने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है, बहुत अच्छा है। एक तो वाटर प्रिजर्वेशन की भी बात है और एनवायरमेंट प्लांटेशन के लिए बहुत अच्छा। और नेक्स्ट है हमारी फौजिया बानो, बानो 11th। कौन है फौजिया 11th? फौजिया 11th अच्छी कोशिश है। ये पॉन्ड है जो हमारा लाइफ साइकिल एक्वेटिक पेंट ने कोशिश किया बनाने की। ये आगे जी हमारे, उसके बाद हमारे इनने बच्चों ने नाम नहीं लिखा है जी, जी। बड़ा खूबसूरत ही बनाया, जिसने भी बनाया बहुत खूबसूरत है। ये भी अंदर बना हुआ है। उसके बाद ये है साबिर जावेद, साबिर जावेद बहुत अच्छे। ये भी आगे की हमारी सेव वाटर से, डोंट लेट वाटर रन इन द सिंक, आवर लाइफ इज ऑन द ब्रिंक, गुड सेव वाटर पे। ये है हमारे अयाज अहमद, बहुत अच्छा इनने बनाया पूरा वाटर। ये भी आ गया सर वर्ल्ड अर्थ डे, शमीम अख्तर क्लास 11th। कौन है ये बच्चे? इन्होंने पॉल्यूशन को भी कवर किया हुआ है, एनिमल सेव एनिमल्स, उसके बाद रिसाइकल प्लास्टिक को मतलब कम यूज करने के बारे में सब चीजों को। किसी बच्चे ने ये दी है? हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप हम सबको पता होना चाहिए कि इस साल का जो 2022 का थीम क्या है, वो है इन्वेस्ट अवर प्लैनेट। तो ये भी हमारी किसी बच्चे ने बनाया और बहुत खूबसूरत है। शोएब ने अच्छी कोशिश की है नेशनल फ्लैग के साथ, बेटर एनवायरमेंट बेटर टुमारो, सेव अर्थ। उधर भी बहुत सारी इधर भी, इस तरफ भी देखेंगे। वेरी नाइस बच्चे, एक बार सब बच्चों के लिए जोरदार तालियां। सोच है जो आपका विजन है वो इसमें से साफ झलकता है, साफ नजर आता है कि आप बच्चे किस कदर बाखबर हैं इस सारे सिलसिले से। तो बच्चों, जो बात जहां मलिक सर ने छोड़ी है, मैं वहां से आगे बात करना चाहूँगा। मलिक सर चूँकि इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, वो MSc ज्योग्राफी हैं, वो इन सारी बारीकियों से वाकिफ हैं, उन्होंने तफसील से बताया भी। एक चीज़ जो उन्होंने कही सर ने, अगर प्लेनेट अर्थ पे जहां हम रहते हैं, हमारे सोलर सिस्टम में अगर यही एक प्लेनेट है जहां जिंदगी है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहां पानी है। पानी के बगैर जिंदगी का तसव्वुर नहीं। आज भी चांद पर अगर खोज हो रही है या मार्स पे खोज हो रही है, तो ढूंढा जा रहा है कि कहीं अगर कोई वाटर या कोई फ्रोजन ग्लेशियर मिल जाए तो हो सकता है कि वहाँ लाइफ हो। यानी कि जब तक पानी है तब तक जिंदगी है, जब पानी नहीं तो जिंदगी नहीं। लेकिन बच्चों, आपने देखा होगा, सुना होगा खबरों में, अखबारों में, ऐसा नहीं है जिस पर लाइफ ना हो। वो चाहे माइक्रोब्स हों, बैक्टीरिया हों, वायरसेस हों, वो चाहे हानिकारक बैक्टीरिया हों, फायदेमंद बैक्टीरिया हों, प्लांट्स हों, फंगई हो, कोई भी चीज़ हो, वो सारी की सारी चीज़ें, जिंदगी यहाँ मौजूद है हर इंच पे। मेरा ये हाथ आपको नजर आ रहा है, अगर आप इसको किसी माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखेंगे तो इस पर भी आपको अपने हाथ पे भी हजारों तरह के जरासीम जो मिल जाएंगे, यानी कि जो भी जिंदगी की एक शक्ल है। तो उस जिंदगी को खत्म करने में ये प्लास्टिक हमें नुकसान पहुंचा रहा है। आपके हाथों में मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चों के पास अभी भी नोटबुक्स हैं। बच्चा, हमारी जितनी भी नोटबुक्स आजकल आ रही है ना, इन पे अगर आप बैक साइड पे देखेंगे तो 3 R लिखे होते हैं। हर किसी भी नोटबुक को अगर आपके पास है, आज भी उठा के देख लें, R R R, इस तरह कभी कभी वो गोल दायरे में 3 R लिखे होते हैं। उनका मतलब क्या है? ना तो कभी आपने पढ़ा, ना कभी गौर किया। अब आप ध्यान से पढ़िएगा, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी देर बाद आप उस पर पढ़िएगा वो 3 R क्या है। पहला R है रिड्यूस, दूसरा R है रीयूज, और तीसरा R है रिसाइकल। ये क्या रिड्यूस कर, उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम अपने लेवल पे गवर्नमेंट को एक तरफ छोड़ते हुए, डिपार्टमेंट्स को एक तरफ छोड़ते हुए, कि हम खुद भी, जैसे आजकल तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बने हुए हैं, हमारा जो MC नरेगा है, तो उसमें गवर्नमेंट ने रखा हुआ है कि आप अपने ही ज़मीन को प्रोटेक्ट करें, उसके आगे बंद बनाएं, उसको बहने से, उसको इरोड होने से आप बचाएं, तो उसके लिए आपको पैसे दिए जाएंगे।
लेकिन फिर भी शायद कहीं हमारा ध्यान उस जगह तक नहीं पहुंचा है। और उसके अलावा कि अगर वो भी ना देते हों तो हमसे हमें कम से कम कि जिस ज़मीन से हम अपने लिए फसलें उगाते हैं उसको खुद ही अगर कहीं वो इरोड हो रही है, वो बह रही है, तो उसको हम उस तरीके से बचा सकते हैं। फिर उससे जो एक बड़ी बात के जो सबसे ज़्यादा नुकसान दे रही है कि जो हम जंगलात को काट रहे हैं, जंगलों के कट जाने से आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि ये जो जंगल हैं या जो सब सफ़र करते हैं ना, मतलब मेजोरिटी पॉपुलेशन जो है वो एयर रिलेटेड डिजीज से सफर कर रही है, तो हम भी तो सफर करेंगे, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए हम बड़ी मुसीबत खड़ी करके जाएंगे। तो इसलिए आपके साथ बात करने का मकसद ही यही है कि आप लोग अवेयर हो, आप लोग जाके घर में बात करोगे और आप इस चीज को समझोगे और इस अर्थ को, इस जमीन को, इस धरती माँ, इसलिए धरती को धरती माँ या धरती माता। आज सारी दुनिया के साथ साथ मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल सालजिया में भी वर्ल्ड अर्थ डे की सेलिब्रेशंस की गई। इस प्रोग्राम का मकसद पूरी दुनिया की तरह हमारे यहाँ भी यही रहा कि बच्चों में और आने वाली जनरेशंस में ये अवेयरनेस पैदा की जाए कि हमारा प्लेनेट अर्थ, उसकी क्या नीड्स हैं और किस तरीके से हम उसको महफूज रख के अपनी आने वाली जनरेशन तक पहुँचा सकते हैं। इस सिलसिले में दो इवेंट्स हुए, एक तो पेंटिंग कंपटीशन हुआ, हमारे कुछ 47 के करीब बच्चों ने डिफरेंट पेंटिंग्स सेव वाटर सेव अर्थ की थीम पे बनाई और उनका डिस्प्ले भी किया गया और सारे स्टाफ ने उन पेंटिंग्स को देखा, बाकी बच्चों ने देखा और जिन लोगों ने इन पेंटिंग्स को बनाया था उनको अप्रिशिएट किया गया। उसके अलावा एक सेमिनार हुआ जिसमें बच्चों ने भी इस थीम पे बोला और हमारे जो लेक्चरर इन ज्योग्राफी हैं मोहम्मद आरिफ मलिक साहब, उन्होंने डिटेल से इस चीज़ की इम्पॉर्टेंस के हवाले से बात की और आखिर में मैंने भी बच्चों से बात करते हुए उनको जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसके यूज़ को मिनिमाइज करने बल्कि रिफ्यूज़ करने की जरूरत पर जोर दिया। और उम्मीद है कि ये जो मैसेज हमारा है वो बच्चे घर घर तक पहुंचाएंगे और अपने इस प्लेनेट अर्थ को हम सेव रखने के लिए पूरी कोशिश करते रहेंगे।